प्रेरित संत मत्ती। संत मत्ती जिनका दूसरा नाम लेवी था, माना जाता है कि गलीली में जन्मा है। मत्ती पालेस्तीन में शासन करने वाले रोमियों के लिए यहूदियों से कर वसूलते थे। कर संग्राहक लोग यहूदियों को धोखे में रखकर दुगुना पैसा वसूलते थे। इसकी वजह से यहूदी लोग इन कर संग्राहकों को अपने दुश्मन मानते थे। एक दिन मत्ती जब कर वसूल रहे थे, तब प्रभु मसीह उनके पास गए और उन्हें उनका अनुसरण करने के लिए कहा। मत्ती तुरंत सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो गई। उन्होंने ईसाई बने यहूदियों के समूह के लिए 41 और 50 के बीच अरामाइक भाषा में सुसमाचार लिखा। इस सुसमाचार से वे चाहते थे कि उनके ईसाई समूह के लोग विश्वास करें कि मसीह पुराने विधान में किए गए प्रतिज्ञाओं की पूर्तिकरण है। माना जाता है कि उन्होंने अपना मिशनरी कार्य इथियोपिया, पेर्शिया, मकदोनिया और सीरिया में पूरा किया। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद इथियोपिया जाने वाले संत मत्ती ने वहां और उसके प्रांत प्रदेशों में ईसाई समूहों का गठन किया। माना जाता है कि विश्वास के लिए संत मत्ती मारे गए। ईसा मसीह हमारे जीवन में कभी ना कभी हस्ताक्षर करते, हमारे जिंदगी से होकर गुजरते हैं। प्रभु हमसे आग्रह करते हैं कि हम उनके पीछे हो लें, उनके साथ हो लें। प्रभु हमें मौका देते हैं हां कहने का और ना कहने का। अब अगर हम हां कहें तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हम प्रभु के अपने हो जाएंगे। अगर हम ना कहें तो हम अपनी जगह पर ठीक रह जाएंगे। संत मत्ती ने ईसा मसीह की बुलाहट को स्वीकार किया, हां कहा और सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चल दिया। हम आज संत मत्ती के मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें, जबकि हमारे दरवाजे पर प्रभु खटखटाए। हमारे दिल इतने उदार हो कि हम दरवाजा खोलें, उनको हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रवेश दें और हम उनके साथ हों।